10,000 डॉलर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, कोई एप्लीकेशन कॉस्ट नहीं है, कोई वीज़ा कॉस्ट नहीं है, कोई आपको फ़ंड देने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। आपको पता है कि जो वेस्टर्न एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत बड़ा एरिया है जो अभी तक खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी पड़ा हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि वहाँ पर लोग आएँ, उनको बात करें, जिसकी वजह से उन्होंने $10,000 की ऑफ़र रखी है इमिग्रेंट्स के लिए कि वो लोग यहाँ पर आएँ विद फैमिली आएँ और उस एरिए को आबाद करें। वेलकम गाइस, मेरा नाम इशाद खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। जी गाइस, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक कंटिनेंट है, एक बरियाज़म है जो कि बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है, और कह लें कि बहुत बड़ा एरिया है जो है ना उसका, ऑस्ट्रेलिया का, जो अभी तक एम्प्टी है, जो जिसको बोलते हैं जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वो काफ़ी बड़ा रकबा है जी, उसको एम्प्टी पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो शुरू करती रहती है इस तरह के प्रोग्राम, जैसे कि आयरलैंड गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और जिसमें वो 80,000 यूरो दे रहे थे कि वहाँ पर आएँ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आएँ, वहाँ पर आके उनके जो आयरलैंड हैं उनको जाके बात करें, जो जजीरे हैं उनके जो वीरान पड़े हुए हैं, जो जहाँ से लोग छोड़ के जा रहे थे उनके जो लोकल से, तो गवर्नमेंट ने शुरू किया था प्रोग्राम 80,000 यूरो का, वो आप जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने कम्प्लीटली बताई थी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि जुलाई से प्रोग्राम स्टार्ट है ऑलरेडी, और 55,000 का कोटा इनके पास है, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज हैं, जो कि कह लें कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हैं। जैसे कि कह लें, आपको पता है कंस्ट्रक्शन बहुत सारे काम आ जाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने दोबारा खड़ी करनी है, ये ब्रिक लेयर से काम है, दोबारा खड़ी करनी है, छत डालना, उसके अलावा कह लें कि आपको पता है जब दोबारा बनाते हैं इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन काम चाहिए होता है, इलेक्ट्रीशियन वाला भी काम उसमें आ जाता है, प्लम्बर वाला काम आ जाता है। आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी, आपको स्क्रीन में सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, साथ में आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे जो सर ना इस तरीके से ना ऑक्यूपेशन हैं, दर्जनों के हिसाब से हैं, मैंने लिस्ट निकाली, आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया, बेसिकली मैं बता दूं आपको कि इसमें है क्या, इसमें यह है कि ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जॉब है, काम है, और इसमें आपके साथ धोखा फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की, वहाँ पर जाके आपको एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा और लाइक कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बताना है कि आपकी जॉब क्या कर रहे थे आप, आपके पास किस चीज़ एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के रेलिवेंट, तो वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। खुद कॉन्टैक्ट करने के बाद जब वो समझे कि आप एलिजिबल हैं, तो आपको वो फैसिलिटेट करेंगे, आपको जॉब तो आपको देंगे, आपको वीज़ा अप्लाई करने में आपकी हेल्प करेंगे, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको $10,000 जो मिलेंगे आपको, वो $10,000 आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिल जाएंगे, आपको 2,000 + 4,000 + 4,000 तीन फेसिस में ये आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, और गवर्नमेंट ये पैसे देगी पहले आपको एम्प्लॉयर को, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो ये पैसे आपके अकाउंट में डालेगा, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, ये थर्ड पार्टी बीच में होगा, मिडिल मैन बीच में आपका एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर को मिलेंगे उसके बाद आपको मिलेंगे, तो ये आपको $10,000 मिलेंगे। आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पर गए, गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर लोग आएँ, बड़ी तादाद में लोग आएँ, फैमिलीज़ को लेकर आएँ, वहाँ पर जाके आबाद हों, जो उनका एरिया पड़ा हुआ वैकेंट वो उसको जाके डेवलप करें, कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर हो, कंट्री की डेवलपमेंट में, उस एरिया की जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उस एरिया की डेवलपमेंट में वाइटल रोल प्ले करें, और 2 साल के बाद 3 साल का आपको वीज़ा मिलेगा, 2 साल का मिलेगा जो कि एक्सटेंडेबल होगा, उसके बाद आप अब 4 साल 5 साल गुजार लेते हैं जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद आपको नेशनलिटी भी मिल जाएगी, तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई धोखा नहीं हो सकता कि जो एजेंट होगा आपके साथ फ्रॉड कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एजेंट होंगे, जो एम्प्लॉयर होंगे वहाँ के, वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाकर दिखाता हूँ कि आपके कौन कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्ट है और कौन कौन से आपने कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल आपको मैं स्क्रीन पे लेके जाकर दिखाता हूँ। तो आपने गूगल पे जाकर लिखना है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, ठीक है, पहले नंबर पे ये आ जाएगा वेबसाइट है, ये आपने ओपन कर लेनी है, ये आप देख लीजिए migration.wa.gov.au, au मीन ऑस्ट्रेलिया, तो ये जी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एक ही वाली। इसके अलावा एक और भी वेबसाइट है, दूसरी भी मैं बताऊंगा आपको जी, ये है जी कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम है, ये आपने देख लेना है जी, इसका ये मेन्यू है, आपने इसका पूरा मेन्यू भी पढ़ लेना है अगर आपके पास टाइम हो तो। अब जो लोग सिंसियर होंगे, जिन्हें अप्लाई करना होगा, तो वो पूरा इसको चेक करेंगे, ये आपने इस सब प्रोग्राम को पढ़ लेना है, ये जो चीज़ें मैंने को बताई हैं सारा वहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं,
ठीक है ना। तो ये जी माइलस्टोन है, पेमेंट है जी एम्प्लॉयर्स, ये आपको पेमेंट जो मिलेगी जी ये होगी जी 2000 + 4000 + 4000, ये आपको डायरेक्ट की पेमेंट नहीं मिलेगी, आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो रिसीव करेगा ये पेमेंट और फिर आपको ये पेमेंट मिलेगी। आप फाइंड आउट मोर करेंगे तो ये बता रहे हैं जी यहाँ पे पूरा हाउ टू अप्लाई फॉर जी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, यहाँ पे पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे करना है जी। ये नीचे लिखा हुआ है जी कंप्लीट द CVSP एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम माइलस्टोन 1। ये CVSP वही है जो ऊपर कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, यही है CVSP, यही वाला प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब नीचे उन्होंने कुछ और भी प्रोग्राम दिए हुए हैं, ऑफ शोर स्किल्ड माइग्रेंट, ऑन शोर स्किल्ड माइग्रेंट, आप इनको भी देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं जाके। तो आप इस वाले को देखेंगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी जी एप्लीकेशन, बिगिन एप्लीकेशन, योर क्लेम एप्लीकेशन इन्फो, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं पढ़ने बैठूँगा तो ये वीडियो घंटे से भी ऊपर हो जाएगी। ये वो जी लिस्ट ऑक्यूपेशन की, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, ये इन्होंने कोड भी दिया हुआ है, साथ में नेम भी आ रहे हैं आगे, वो बताया हुआ यस और नो भी इन्होंने किया हुआ है, नो तो खैर की नज़र नहीं आ रहा मुझे, सब जगह बी एस सी किया हुआ इन्होंने। तो ये जैसे पहला जी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो सना कारपेंटर के भी है, ब्रिकलेयर भी है, सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिए हुए इन्होंने, लिस्ट दी हुई उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो ये थी जी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।